गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त अशिता एंड आज हमारा बायोकेम का डे है और बायोकेमिस्ट्री में लगभग हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बस तीन चार टॉपिक्स हमारे बचते हैं एंड बायोकेम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल बैलेंसेज। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस रिलेटेड हमारे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज हम इस टॉपिक को लेंगे। एंड सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले देखो, एनालिटिकल बैलेंसेज हमारा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज अ बैलेंस। बैलेंस क्या है? जो हम जो बैलेंस, वैसे वाला बैलेंस में समझना कि हाँ इक्वलाइज करना है कुछ वेट को, वैसा वाला बैलेंस नहीं। एनालिटिकल बैलेंस में जो हम इक्विपमेंट जो बैलेंस यूज कर रहे हैं उसका क्या पर्पस है। और एक हमारे पास होता है इंस्ट्रूमेंट, बोलते हैं हम स्केल। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनका कहाँ पे यूज होता है? हमारे पास डिवाइस है जो मेजर करता है मास को, ठीक है, और स्केल वो डिवाइस है जो मेजर करेगा हमारे पास किसको, वेट को। ये डिफरेंस है इन दोनों में। अगर हम मास मेजर कर रहे हैं तो हम बैलेंस यूज करते हैं, अगर हम वेट यूज करें तो हम स्केल यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जब हम अपना बॉडी वेट चेक करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम अपना स्केल में अपना वेट मेजर करेंगे। अगर मास की बात कर जाए तो मास के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस यूज करेंगे। तो ये तो होगी बात बैलेंस एंड स्केल की। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बैलेंसेस कितने टाइप के हैं और एनालिटिकल बैलेंस उसमें कौन सा टाइप है और उसका क्या हमारे पास यूजेस हैं, क्या उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स की। अगर टाइप्स की बात कर जाए तो बैलेंसेस बेसिकली तीन तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है बीम बैलेंस, दूसरा है एनालिटिकल बैलेंस एंड थर्ड है हमारे पास फिजिकल बैलेंस। अब बीम बैलेंस में क्या, देखो एज नाम समझ रहा है कि इसमें बीम प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास इसमें एक मेजरिंग पैन यानी कि वेइंग पैन प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है स्केल पैन हमारे पास प्रेजेंट होता है। जैसे हम तो तराजू जो हमारे होते हैं बेसिकली वो क्या होता है, हमारा बीम बैलेंस होता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास इसमें एक बीम प्रेजेंट रहेगा और उसमें हमारे पास दो, इधर मेजरिंग पैन होगा और इधर हमारे पास क्या होगा, स्केल पैन होगा। मेजरिंग पैन में हम वो चीज डालेंगे जिसको हमने वेट करना है, ठीक है, एंड स्केल पैन में हम वो चीज डालेंगे जिसमें हमारा क्या है, हम इसमें अपने स्टैंडर्ड वेट्स को ऐड करेंगे। तो इसमें हमारे स्टैंडर्ड वेट्स ऐड होंगे एंड यहाँ पे हमारी चीज जो है मेजर होगी एंड जब ये इक्विलिब्रियम में आएंगे तो ऑब्वियसली इसका वेट तब उसके बराबर होगा जिस पॉइंट पे ये एकदम से इक्विलिब्रियम पे आएंगे। और अगर इसमें बात की जाए एग्जाम्पल की, तो फोर बीम होता है, एक ट्रिपल बीम बैलेंस करके आते हैं, दो तरह के बैलेंसेज इसके एग्जाम्पल में आते हैं। अब हम बात करेंगे अपने एनालिटिकल बैलेंसेज, क्योंकि एनालिटिकल बैलेंसेज में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या इनका बेसिकली, जैसे उसमें तो हम स्टैंडर्ड वेट्स ऐड करके मेजर करते हैं, इसमें हम कैसे सारी मेजरमेंट्स कैरी आउट करेंगे। तो अब हम बात करेंगे एनालिटिकल बैलेंसेज के। देखो आपने अपनी लैबोरेटरीज में देखा होगा, ठीक है, कि आपके पास एनालिटिकल बैलेंसेज प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे बेसिकली हमारे पास हिमैट में जैसे हम रिएजेंट्स बनाते हैं, स्टेन्स, स्पेशल स्टेन्स बनती हैं, तो उस टाइम पे हम रिएजेंट्स को मेजर करते हैं और वो मेजरिंग होती है हमारे एनालिटिकल बैलेंसेज में। आपने देखा होगा कि ऐसे बॉक्स जैसा होता है, ठीक है, ग्लासेस लगे होते हैं, बिल्कुल कवर्ड होता है वो एंड आप उसको स्लाइड करते हो और उसके अंदर मेजरमेंट्स होती हैं। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, ये पूरा बंद है और यहाँ से इसके पीछे को यहाँ से क्या होता है, ऐसे को क्यूबिकल जैसा होता है, यहाँ पे आपका मिरर स्लाइड करने के लिए होता है। आप इस डोर को ओपन करते हैं और यहाँ पे अंदर मेजरिंग करते हैं इसकी हम, और इसकी भी क्लोजिंग क्यों होती है, ताकि इसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह एंटर ना करें। एंड एनालिटिकल बैलेंस हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमको हायर एक्यूरेसी और हायर प्रिसीजन हमें चाहिए हो, ठीक है, तो जहाँ पे हाई एक्यूरेसी चाहिए, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, तो उस केस में हम करेंगे एनालिटिकल बैलेंसेज यूज। मैंने आपको बता दिया बिल्कुल कवर्ड होते हैं, ठीक है, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल भी उसके ऊपर ना गिरे एंड उसका भी वेट उसमें ऐड ऑन ना हो, तो ठीक है, उसमें बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेसी रहती है। हमारे पास एनालिटिकल बैलेंसेज कितने तरह के हैं, चार तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले है सिंगल पैन मैकेनिकल बैलेंस, उसके बाद है टू पैन एनालिटिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज एंड माइक्रो बैलेंसेज। अब हम देखेंगे कि सिंगल पैन में क्या है, टू पैन में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो बैलेंसेज में क्या हमारे पास ऐसा फिनोमिना हो रहा है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स हमारे पास दे रहा है। तो हम बात करेंगे कि सिंगल पैन मैकेनिकल बैलेंस में क्या होता है। देखो सबसे पहले इसमें हमारे पास ऑप्टिकल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिस वजह से जो रीडिंग होती है वो आपको डिजिटली उसमें देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास जैसे सिंगल पैन है, इसमें एक सिंगल पैन प्रेजेंट होगा, ठीक है, और इसमें हमारे पास टू नाइफ एजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक एज अ वेइंग पैन एक्ट करता है और दूसरा एक्ट एज अ पाइवट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास फिक्स्ड काउंटर वेट्स प्रेजेंट होते हैं जो वेट को मेजर करते हैं, और जो वेट आएगा उसकी जो हमारे पास रीडिंग्स होंगी वो ऑप्टिकली आपको डिजिटल स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। तो ये सिंपल था सिंगल पैन। अगर बात करें हम टू पैन एनालिटिकल बैलेंसेज की, तो टू पैन एनालिटिकल वजह से पता चला इसमें टू पैन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे सीसो होता है उस तरह से ये हमारे पास आपको देखने को मिलेगा। एंड इस सीसो जिस इसकी तरह शेप होती है, इसमें दो पैन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, एक हमारे पास मेजरिंग पैन है और एक हमारे पास क्या है, वेइंग पैन है।
इसमें मेरे पास बीम्स प्रेजेंट होगी, इसमें दो पैन्स कनेक्टेड होगी और एक मेरे पास सेंट्रल पाइवट इसमें प्रेजेंट होगा। एंड इसमें हमारे पास क्या है, ये एज अ सीसॉ एक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, एज अ सीसॉ मतलब दो पैन्स इसमें प्रेजेंट होंगे और वही इसमें हमारे पास क्या है, डिजिटली इसमें हमारे को रीडिंग्स मिलेंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी जितना छोटा वेट होगा, ठीक है। इस केस में जितना छोटा हम सब्सटेंस लेंगे उतने ही ज़्यादा इसमें ये हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी शो करेगा। तो ये तो हो गया टू पैन। तो और बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक की, तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिकली हमारे को रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात करें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जैसे नाम से पता चल रहा है कुछ इलेक्ट्रिकल इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ये इसमें क्या है, जो हमारे पास वेट होता है वो मेजर होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होगी जो हमारे पास क्या है, वेट को मेजर करने में हेल्प करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें क्या होता है, जो हमारे पास मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के लिए। जितना हमारे पास मास होगा उतना ही उसके अंदर करंट हमारे पास यूज होगा उस बैलेंस को इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, ठीक है। एंड इसमें जो हमारे पास ईएमएफ का जो फोर्स होता है उसको यूज किया जाता है, ईएमएफ हमारे पास बेसिकली इक्विलिब्रियम अचीव करने में इसमें हेल्प करता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट। अब बात आती है हमारे पास माइक्रो बैलेंसेस की। माइक्रो बैलेंसेस जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो माइक्रो बैलेंसेस क्या है, बहुत स्मॉल अमाउंट्स को मेजर करेंगे, लेकिन कैसे मेजर करेंगे, इसमें ऐसा क्या प्रेजेंट है। देखो इसमें हमारे पास होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल हम यूज करते हैं। जब भी हम कोई चीज, कोई मास मेजर करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, एंड उस फ्रीक्वेंसी के चेंज से हम क्या करते हैं, मास को कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारा माइक्रो बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट कि माइक्रो बैलेंसेस में ऐसा क्या यूज हो रहा है जिससे हमारे पास क्या है, मेजरमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड इवनली ये बहुत छोटी एडिशन, इवन तो अगर कोई वायरस भी उसमें ऐड हो जा रहा है तो उसके मास को भी, उसके वेट को भी उसमें क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। तो ये थे माइक्रो बैलेंसेस। एंड यहाँ पे हमारा पूरा एनालिटिकल बैलेंस कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास एक टाइप बचता है, वो है फिजिकल बैलेंसेस। फिजिकल बैलेंसेस बेसिकली वही है जहाँ पे हमें कोई ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं होती है, दैट इज जस्ट रफ बैलेंसिंग बेसिकली आप कह सकते हो। और उसमें काफी चीजें से मेजरिंग पैन, तो पाइवेट से ये सब चीजें उसमें प्रेजेंट होती है। एंड एक मेजरिंग पैन है, एक विंग पैन है, अगेन वही चीजें हैं। और जब वो इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे, हम वेट्स ऐड करते हैं, ठीक है, और वो जो मेजरिंग पैन है वो कहाँ को बेंड करता है, जहाँ को हमारा वेट कम होता है वहीं को वो बेंड करेगा। तो बेसिकली जो नॉर्मल हमारे पास बिल्कुल बेसिकली वेट्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास वेजिटेबल शॉप्स वगैरह में जो भी वेट्स यूज किए जाते हैं, तो वो हो गया आपका फिजिकल बैलेंस। दैट इज, वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, आप नोट्स रीड आउट करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा बैलेंसेस कंप्लीट हो गया, एनालिटिकल बैलेंसेस कंप्लीट हो गया। लेकिन हाँ, इसके बाद एक इसमें टॉपिक रहता है प्रिकॉशंस एंड क्या सेफ्टी मेजर्स हमें फॉलो करने हैं एनालिटिकल बैलेंसेस को हैंडल करने के लिए। अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो सबसे पहले देखो, जो हमारे पास जो सरफेस है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, वाइब्रेशन फ्री सरफेस होना चाहिए, कोई डस्ट पार्टिकल की उसमें, फ्री डस्ट उसमें ऐड नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसको यूज नहीं करना है क्योंकि जब वो हीट अप होते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं। कोई भी चीज वेट करनी है तो टिश्यू पेपर के ऊपर वेट करना है, लेकिन वेट करने से पहले उसको नलीफाई कर दो ताकि टिश्यू का वेट उसमें क्या हो, ऐड ऑन ना हो। उसकी कोई भी एडजस्टमेंट्स करनी है तो विद हेल्प स्क्रू नॉब्स करना है। एंड उसको बिल्कुल, अगर कोई हैजार्डस केमिकल भी हम मेजर कर रहे हैं तो बिल्कुल हमने पूरी प्रिकॉशन के साथ करना है। ग्लव्स, मास्क होना चाहिए, ठीक है, ग्लव्स और मास्क पहना बिल्कुल नहीं भूलना है, मास्क था, क्योंकि कई बार हम फाइनली पार्टिकल्स, फाइनली केमिकल्स, फाइन केमिकल्स को भी मेजर करते हैं, और ऐसा ना हो कि आप उनको इनहेल कर लो। तो अपने भी आपने पूरी प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ क्या है, पूरा इनका बैलेंस कैरी आउट करना है, पूरी मेजरिंग्स बिल्कुल सेफली कैरी आउट करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्लव्स तो यूज करना ताकि आपको स्किन के कोई कॉन्टैक्ट में कोई भी केमिकल ना आए। तो ये थे कुछ प्रिकॉशंस हमारे पास कि हमने क्या फॉलो करना है। बात करते हैं हम मेंटेनेंस की, क्या मेंटेनेंस होती है हमारे पास एनालिटिकल बैलेंसेस को, कैसे हमने मेंटेन करके रखना है। अब मेंटेनेंस में पहला पॉइंट ये हो सकता है कि अगर कोई केमिकल मेजरिंग करती बार गिर गया है एनालिटिकल बैलेंस, तो उसको क्लीन करो, ठीक है। उसको हम क्लीन कर, जब हम उसको क्लीन करें तो कैमल हेयर ब्रश आता है या फिर एंटी स्टैटिक ब्रशेज आते हैं, उनसे हमने उनको क्लीन करना है ताकि हम एनालिटिकल बैलेंसेस के सेंसर्स को डिस्ट्रॉय ना कर दें। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्लोज्ड होता है, तो उसको यूज करने के बाद क्लोज कर देना ताकि उसमें ज्यादा एयर उसमें क्या है, कंप्रेस ना हो और माइक्रो बैलेंसेस के सेंसर्स को बेसिकली डिस्ट्रॉय ना करें। इन केस कोई लिक्विड स्पिल हो जाता है, ठीक है, तो आपने बिल्कुल जेंटली उसको क्लीन करना, बिल्कुल प्रेशर के साथ क्लीन नहीं करना। अगर आप प्रेशर करोगे अगेन हमारे पास सेंसर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और बैलेंस को कभी ओवरलोड नहीं करना है, ठीक है, उसमें सिर्फ उतना वेट डालो जितना वो हैंडल कर सके। हॉट ऑब्जेक्ट्स को मेजर नहीं करना है, ठीक है, और वॉश क्लासेस आप यूज कर सकते हो, बटर पेपर्स आप यूज कर सकते हो उसको क्लीन करने के लिए, मेजर करने के लिए।
और एक और चीज, जब आप रीडिंग को नोट कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे भी कैबिनेट को क्लोज करना, ताकि कोई एयर का उसमें क्या है मेजरमेंट्स उसमें मिक्सअप ना हो जाए. ठीक है, तो ये थी पूरी मेंटेनेंस. एंड बेसिकली हमारे को यही ध्यान रखना है कि देखो पूरा एनालिटिकल बैलेंसेस के ऊपर बेस्ड है, सेंसर्स के ऊपर ये बेस्ड है. अगर हम उसके सेंसर्स ही खराब कर जाएंगे तो हमारे पास रीडिंग्स बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं आएंगी एंड बिल्कुल गलत रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. तो हमने क्या प्रिवेंट करना है कि हम उसके सेंसर्स को डिस्ट्रॉय ना करें. तो हर कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल हमेशा एनालिटिकल बैलेंस को बिल्कुल जेंटली हैंडल करो, हमेशा कवर करके रखो. ठीक है, तो ये कुछ थी मेंटेनेंस टिप्स जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वाइवा में पूछा जाता है कि हाँ मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हमको लेने होते हैं. तो वो सब इस वीडियो में कवर हो चुका है. नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी. लेकिन हाँ मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि बहुत बच्चे कई बार बोलते हैं कि लिंक नहीं ओपन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको उसके लिए गूगल डॉक्स ऐप, ठीक है, गूगल डॉक्यूमेंट्स का ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा. उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाएगा पीडीएफ. गूगल डॉक्स ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आपको क्लियरली पीडीएफ दिखाई दे. तो प्लीज आप उस ऐप को डाउनलोड करो. तो मैंने पहले भी आपको एक दो बार वीडियोज में बताया था, तो मैं अगेन आपको बता रही हूँ. एंड अगेन वही बात है कि मैं सिर्फ आपको यहाँ पे गाइड कर रही हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ. जो मुझे आता है थोड़ा बहुत वो आपसे शेयर कर रही हूँ. ठीक है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, कोई प्रोफेसर, कुछ ऐसी नहीं हूँ. बस हाँ इतना है कि जो नॉलेज मुझ तक है मैं चाहती हूँ कि वो आप लोगों तक भी जाए. तो जितना मुझे आता है, मैं कभी गलत भी हो सकती हूँ, तो आप मुझे पॉइंट आउट करो, क्योंकि मुझे भी आपसे सीखने को मिल सकता है, बहुत चीजें ऐसी हैं. सो यस, यही था आज की वीडियो में. एंड आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, और कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे डीएम करना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.